Everyone, this is your ट्रेनर ठीक नाहिद है। खान। आज हम ने क्लास छोड़ी थी, हम वहीं से शुरू करेंगे। पिछली क्लास तो में वही हम है। बात कर रहे थे अबाउट गूगल सर्च कंसोल। आज की क्लास में भी हमने दो उसके सेक्शन कवर किए थे, परफॉर्मेंस और यूआरएल इंस्पेक्शन, लेकिन बाकी सेक्शन हम नहीं कवर कर पाए। तो आज हम बाकी सेक्शन को देखेंगे कि बाकी सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल सर्च कंसोल। आपने कुछ भी नहीं करना है, गूगल सर्च कंसोल कैसे ऐड करना था वो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको समझना है, समझने की हम बात करते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, हाँ, अब आपने क्या लिखना है, आपने सिर्फ लिखना है गूगल सर्च कंसोल। ये आपको पहली क्लास में बताया था मैंने, ये लिखना है, लिंक ओपन करना है। ऐसे जीमेल साइन इन होना चाहिए आपका जिससे आपने ऐड किया गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ये हो गया। स्टार्ट नाउ पे दबाएंगे तो ये आपको इस सेक्शन पे लेके आएगा। ठीक है, हमने इसका परफॉर्मेंस सेक्शन स्टडी कर लिया था और हमने यूआरएल इंस्पेक्शन भी इसको समझ लिया था। लेकिन परफॉर्मेंस सेक्शन में एक बार बता दूं कि आप किसी के लिए एसईओ प्रोग्राम करते हैं और वो एक महीने बाद आपसे पूछता है कि भाई मुझे अपनी रिपोर्ट दो, तो आप क्या उसको देंगे? ठीक है, आप कुछ भी नहीं दे सकते उसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल उसको देते हैं। और वो सर्च कंसोल कैसे यूज करना है, अगर वो मान ले आपसे कहे कि भाई आखिरी 28 दिन का डेटा मैं चाहिए, अलग से महीना उसको, आपको महीना काम करते हुए और वो महीने की परफॉर्मेंस मांगता है आपसे। आपने सिर्फ परफॉर्मेंस सेक्शन पे आना है, डेट पे दबाना है और कंपेयर पे दबाना है और लास्ट 28 डेज को आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप उसको डेटा दिखा सकते हैं कि देखो पहले डेटा ये था और अब ये आ रहा है, तो आप ये दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ये बड़ा हेल्पफुल टूल है ऐसे एसईओ की परफॉर्मेंस पे। अगर आपने एसईओ की परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी, तो आप इस टूल से दिखा सकते हैं और ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अगर मान लें वो 28 दिन से नहीं कहता, वो कहता है कि भाई 2 महीने का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके डेट आप कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे 2 महीने की डेट कंपेयर कर दें और उससे 2 महीने पीछे की डेट इधर डाल दें और अप्लाई कर दें, तो इससे भी आपको सही आइडिया मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, ये तो हो गई परफॉर्मेंस सेक्शन की बात। जो लास्ट से बात थी वो मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेजेस पे, ये क्या दिखा रहा है। अच्छा, ये वाला सेक्शन है, ये सिर्फ आपको बताता है कि कितने पेजेस इंडेक्स हैं और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये देखें, 1.16 के पेजेस जो है इंडेक्स हैं, लेकिन 7.64 पेजेस जो है इंडेक्स नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एक डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, डेवलपर ही ये सही करके देगा आपको। ठीक है, ये आपका काम नहीं है, और खासकर अगर आप ठीक कर सकते हैं अगर तो वर्डप्रेस पे साइट बनी हो, लेकिन ये साइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। तो अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे ना हो या वर्डप्रेस पे भी हो, तब भी वो डेवलपर ही आपको ये हल करके देगा मसले। ठीक है, ये वाले मसले आपको डेवलपर हल करके देगा। ठीक है, अब ये कुछ पेजेस हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं इसकी चेकलिस्ट बताऊंगा कि अगर तो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है तब आपको क्या क्या करनी है। ये मैं अगली क्लास में चेकलिस्ट बताऊंगा कि कैसे उसको ठीक करना है। ठीक है, ये अगली क्लास में, लेकिन अभी तक ये समझ लें कि ये आपको सिर्फ पेजेस बताता है कि कितने पेजेस इंडेक्स हैं और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं है। ठीक है, वीडियो पेजेस ये छोड़ दीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, ये बस वीडियो वही चीज है, बस वीडियो इंडेक्स दिखा रहा है और नो वीडियो इंडेक्स दिखा रहा है, वही चीज तकरीबन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं, अच्छा, चैट में आ रहे किसी का सवाल, सर जी कौन सा मसला डेवलपर हल करके दे सकता है, ऐसा सवाल है। देखें, ये जो मसला है ना, ये देखें, अगर आप पेजेस पे जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई 1.16 पेजेस जो हैं गूगल पे इंडेक्स हैं, लेकिन 7.64 पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पेजेस को इंडेक्स करने के लिए आपको डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, मैं एक चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा कि अगर तो ऐसा एरर आ जाए तो आपको क्या क्या करना है। सही है, या मैं अगली क्लास में बताऊंगा।
लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ये वर्ड ये वैसे डेवलपर करके देता है आपको। मैं चेकलिस्ट बता दूंगा, आप वो चीजें अप्लाई करेंगे तो होपफुली वो चीजें आप ये मसला खुद भी सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन वैसे ये डेवलपर का काम है आपका नहीं। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं साइट मैप पे। साइट मैप का मैंने अभी तक तो कुछ बताया तो नहीं है मेरा ख्याल है आप लोगों को कि साइट मैप होता है क्या है। ठीक है, तो इस सेक्शन को भी हम चलें मैं बता देता हूँ। देखें साइट मैप होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखें साइट मैप जो होता है, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझानी हो मुझे तो मैं अब आपको उर्दू लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर गूगल को कोई चीज़ समझानी है तो वो किस लैंग्वेज में समझाएंगे? किसी को कोई आइडिया है गूगल को कोई समझानी हो चीज़ तो आप किस लैंग्वेज में गूगल को समझा सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है तो चैट बॉक्स में ले सकता है जिसको भी जवाब आ रहा है इस चीज का, या कोई माइक ओपन करके कह सकता है। अगर उसके पास कोई आइडिया है कि गूगल को किस चीज समझानी हो तो आप किस जबान में उसको समझाओगे? खान साहब आप कहते हैं एक्सएमएल, बीनी भी कहती हैं एक्सएमएल में, बिल्कुल ठीक है एक्सएमएल लैंग्वेज में। ठीक है, आप गूगल को कोई चीज समझाना चाहते हो तो आप गूगल की लैंग्वेज में बताते हो। गूगल एक्सएमएल लैंग्वेज समझता है, एक्सएमएल बेसिकली लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा पे इंडेक्स नहीं हो रहा, हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनसे पहला सवाल आप ये पूछिएगा कि आपने अपनी साइट का एक्सएमएल साइट मैप जमा कराया गूगल सर्च कंसोल में या नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप ये होता है। अब मैं एक्सएमएल साइट मैप बता दिया, अब एक्सएमएल साइट मैप लगाना कैसे है वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है, उसका लिंक यहाँ लगता है, मतलब कुछ भी होता है XML.डॉट जो भी कुछ लिंक है, advice.pk से आगे के जो लिंक है ना, जो XML का आ रहा है, XML.साइटमैप लगा लो से, ये करेंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम है, इस सेक्शन का ये काम होता है। और याद रखिएगा कि गूगल को अगर आप XML साइट मैप पे जमा करा देते हैं गूगल की, ठीक है, तो गूगल जो है वो ज्यादा चांसेस होता है कि आपके सारे पेज इंडेक्स करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी सवाल, अगर किसी का सवाल है तो माइक ओपन करके वो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ। जी, सर, इसका ताल्लुक मतलब साइट मैप का जो ताल्लुक है वो गूगल पे पेजेस इंडेक्स से है? अगर आप चाहते हैं कि सारे पेजेस आपके इंडेक्स हों तो आपको एक्सएमएल साइट मैप की जरूरत पड़ती ठीक है सर, थैंक है। यू। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम पढ़ते हैं इसको रिमूवल्स पे। ये क्या है, ये चीज बड़ी काम की चीज है। और ये देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये आपने तमीज से यूज करना है, एकदम आपने यूज नहीं करना है सेक्शन को। ठीक है, ये करना क्या है, मैं जैसे मेरी ये साइट है, ये करना क्या है बताता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पेजेस, आपके कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट पेजेस आ जाते हैं आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता लेकिन वो डुप्लीकेट, वो तो यूआरएल, एक सेकंड रुकेगा, वो तो यूआरएल इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं। यूआरएल इंस्पेक्शन से क्या, अच्छा देखिए, यूआरएल इंस्पेक्शन से आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप एक एक लिंक को आप जाके वो यूआरएल इंस्पेक्शन में डालेंगे फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे वो ज्यादा आसान तरीका है, या एक ही बार आप साइट मैप जमा करा दो और सारे पे इंडेक्स हो जाओ, वो ज्यादा आसान तरीका है। तो बेस्ट तरीका ये है कि साइट मैप आप जमा करा दें। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा ओके, ठीक है अच्छा सर, अब। जी, एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर सर हम लोग पेज मैन्युअली जाके इंडेक्स ना करवाएं, बस हम लोग साइट मैप को सबमिट करा दें, तो क्या हो जाएंगे पेज इंडेक्स? जी, उम्मीद यही है कि हो जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस यही कहती है कि अगर एग्जाम्पल साइट मैप जमा है तो आपके जो जितने भी पेजेस हैं वो सारे इंडेक्स हो जाएंगे, ये रेकमेंडेड प्रैक्टिस। लेकिन अगर नहीं होता लेकिन फिर भी आप करा दीजिएगा एक वो नॉर्मल के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये भी कर देंगे तो डबल श्योरिटी होती है। जिस तरह आप बाइक का आप ए हैंडल लॉक भी लगाते हैं और वायर लॉक भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता हो डबल श्योरिटी के लिए। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अब हम बात करते हैं रिमूवल्स की। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पेजेस इन लेट्स से बैरिया फेज 127, ये भी एक पेज है, और बैरिया फेज 8 ये भी एक पेज है, और ये दोनों ही पेजेस पे एक ही कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पेज पे जाएंगे, लेट से इस पेज को आपको डिलीट करना है, आप पहले इस पेज पे जाएंगे, डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो 404 एरर बन जाएगा। ठीक है, 404 एरर क्या होती है, पेज नॉट फाउंड। ठीक है,
जब गूगल पे कोई यूआरएल डलता है और वो यूआरएल नहीं मिलता गूगल, तो पेज नॉट फाउंड या 404 एरर आती है। तो अगर मान लें बैरिया टाउन बैरिया फेज 127 और फेज 8 में एक ही कंटेंट डला हुआ, और आपने सोचना है कि भाई मैंने फेज 127 को डिलीट नहीं करना, फेज 8 को डिलीट करना है, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप पेज 8 पे जाएंगे, ठीक है, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, इधर आएंगे और रिक्वेस्ट पे जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट। अब ये जरा गौर से देखिए क्या करना हो, एंटर बस यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिएगा, लिखा है रिमूव दिस यूआरएल ओनली, इस यूआरएल को इंडेक्स ना करना, ठीक है, बस इतनी सी बात करनी है और नेक्स्ट दबा देना है आप। ये क्या होगा, गूगल इसकी इंडेक्सिंग फौरन उड़ा देगा, ठीक है, गूगल के पास डेटा पड़ा पहुंच जाएगा और गूगल कहेगा कि भाई इसकी इंडेक्सिंग उड़ा दो, ठीक है। ये जो है रिमूव, ये क्या सेक्शन है, ये कहता है कि अगर मान लो एक पेज ये भी है तो इसका मतलब ये पेज भी उड़ जाएगा, ठीक है, इंडेक्सिंग का। आपको भले आपने ये डाला हुआ है लेकिन एक यूआरएल आपका ऐसा भी है जो स्लैश मार के आगे दिखा रहा है, तो वो भी उड़ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि यही यूआरएल उड़े तो आप ये दबाएंगे, ठीक है। यार मेरी लगता है मुझे बात समझ में आ रही होगी आपको, और फिर नेक्स्ट दबा के आपने इसको रिक्वेस्ट कर देनी है, इससे होगा अच्छा क्या। सर, एक जी जी क्वेश्चन जी सर, मैंने ये पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई क्लाइंट हमें काम देता है अपनी वेबसाइट की, मतलब एक्सेस देता है और कहता है कि हमने सारा एसईओ करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके कौन से पेज पे कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है? देखें उसके लिए आप यूज करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है, उसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज करते हैं, जब मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को टेक्निकल एसईओ जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज होता है। वो डायरेक्ट बता देता है आपको, एक झटके में बता देता है कि आपकी कौन सी वेबसाइट का कौन सा पेज डुप्लीकेट है, वो फौरन बता देता है, ठीक है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अब हम बात करें, वो समझ में आ गया आप लोगों को कि आपने रिमूवल्स ऐसे उड़ा देने पेजेस, ठीक है। ये उड़ाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डिलीट करेंगे पेज वो भी तो हो जाएगा डिलीट। अच्छा ये कोई बता सकता है कि हम डिलीट क्यों नहीं कर रहे इस पेज को, अगर मान लें डिलीट कर दें तब भी तो हमारा काम हो जाएगा ना, तो हम डिलीट क्यों नहीं कर रहे, हम जाके रिक्वेस्ट से क्यों उड़ा रहे हैं उसे, किसी को कोई आइडिया है इस चीज का। सर गूगल एरर दे देगा 404 का। जी, और 404 एरर जो टेक्निकल एसईओ के लिए बहुत गंदी चीज समझी जाती है, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। खान दादा साहब कहते हैं बैकलिंक्स, नहीं बैकलिंक्स की वजह से नहीं, हम 404 एरर की वजह से हम उसको रिमूव करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने कितने सेक्शन, हम 6 सेक्शन कवर कर लिए, 6-7 सेक्शन कवर कर लिए। अब आते हैं पेज एक्सपीरियंस से। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी रिमूवल्स में जो यूआरएल्स ओनली और ऑल यूआरएल्स, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बताना। सेकंड, मैं रिमूवल चला जाता हूँ, ये रिमूवल, ये जो 2 सेक्शन आ रहे हैं रिमूव ऑल यूआरएल विद प्रीफिक्स, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं ऊपर। देखें जी सर, पहला वाला जो है वो कहता है लेट्स से ये यूआरएल है advice.pk, ठीक है, ये यूआरएल है, अगर आप सिर्फ इस यूआरएल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ये वाला एक्शन करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं इस डोमेन का जितना भी यूआरएल है वो सब उड़ जाए तो आप ये यूज करेंगे, मतलब advice.pk/page1 लिखा हुआ है, पेज वन है, ठीक है, ये यूआरएल है, ये भी उड़ जाएगा, और लिखा हुआ है advice.pk/page2, ये यूआरएल है, ये भी उड़ जाएगा, page 3 ये भी उड़ जाएगा, page 4 सारे पेज उड़ जाएंगे, ठीक है, ये अगर आप करेंगे रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस पेज, ठीक है, लेकिन ये करेंगे तो सिर्फ वो वाला यूआरएल उड़ेगा जिसको आप रखें। अच्छा सर कैनोनिकल एएमपी है, एएमपी क्या होता है, देखें एएमपी का मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, कैनोनिकल वो होता है जो एक्चुअल यूआरएल है आपका कैनोनिकल, ठीक है, वो मैं जब टेक्निकल एसईओ टच करूंगा तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा पेज एक्सपीरियंस में गुड यूआरएल बता देता है, देखें ये बता रहा है गुड यूआरएल कितने हैं, कोर वेब वाइटल क्या है, मोबाइल यूजेबिलिटी एचटीटीपीएस गुड है, ठीक है, गुड यूआरएल, और आपको बताता है अच्छे यूआरएल जो मतलब सही चल रहे हैं ब्रोकन नहीं है वो बता रहा है आपको, ये सही है, कोर वेब वाइटल्स कुछ भी नहीं है, ये बस वो है, ये जब आप यहाँ पे आप जाते हैं और आप ये लिखते हैं पेज स्पीड इनसाइट, ये गूगल का एक टूल है, ये आप यूज करते हैं, तो
ये भी आपको कोर वेब वाइटल्स ही बता रहा होता है, ठीक है। ये बस वेबसाइट की स्पीड वगैरह का काम है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। ये बस ये रहेंगे, ये आपको बताएगा कितने यूआरएल को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। ये बताएगा आपको येलो यूआरएल जो होते हैं, ये देखें यहाँ पे मोबाइल पे कह रहा है 40 यूआरएल जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, 31 यूआरएल पुअर है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये एक मोबाइल एक स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है। अब आते हैं मोबाइल यूजिबिलिटी, ये बस दिखाता है यूजिबिलिटी है या नहीं, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं साइट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ मसले हैं जो मोबाइल यूजिबिलिटी के साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, ये भी आपको डेवलपर ही करके देगा, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, डेवलपर ही करके देगा आपको, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा कि इसको करना है कैसे है, ठीक है। और ये यूजेबल बता रहा है, नॉन यूजेबल ये इश्यूज बता रहा है बेसिक तो आपको ना, तो बस ये है इसके अंदर। हाँ तो सुनो में किसी का मेरे ख्याल में माइक खुला हुआ है, आई होप कि वो बंद कर ले। अच्छा अब हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो सवाल आया AMP, ये क्या है। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस आप सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब ब्लॉग्स आप बना रहे हो, ठीक है। उसमें ये काम आता है, जो सर्विस की साइट है, जो बाकी साइट है, ई कॉमर्स की साइट है, उस पर ये काम नहीं आता। ये होता क्या है, ये होता ये है, लेट से हम एक ब्लॉग पे जाए, हम 10-20 कोड डाल लेते हैं। अगर तो इसकी वेबसाइट पे एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस लगा हुआ है, तो होगा क्या कि पेज जैसे ही खुलेगा सारी पिक्चर लोड नहीं होंगी, लेकिन पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है। अगर सारी पेजेस लोड होती हैं तो वो मोबाइल जो अपना जो स्पीड है वो कम हो जाती है आपकी वेबसाइट की, उसके लिए आप एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है एक्सेलेटेड मोबाइल पेज, ये बता रहे हैं इस पे लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा चैट में सवाल आया है, सर समझ नहीं आई, किस चीज़ की समझ नहीं आई बताएंगे जरा। सर, ये काइंडली AMP जरा दोबारा बता दें। AMP क्या होता है, एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है। मान ले मैं इस पेज पे जाता हूँ, ठीक है, लेट से इनका एक मैं ब्लॉग खोल लेता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉग खोल लिया, ये देखे पेज खुल चुका है, पेज खुल चुका है, लेकिन पिक्चर लोड नहीं हुई थी। जब पिक्चर आपकी चीजें लोड नहीं होंगी, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये क्यों किया जाता है, वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब होता यह है, देखें नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही आपका पेज खुले तो आपकी पिक्चर भी लोड हो जाए सारी, नॉर्मल प्रैक्टिस तो ये कहती है। लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से अपनी वेबसाइट खोलनी है तो उसके लिए आपको AMP यूज करना पड़ेगा। ये होता क्या है, ये लोड नहीं होती पिक्चर्स सारी, अगर 10 पिक्चर है ना तो उसमें से जब आप उस पिक्चर तक पहुंचोगे ना तब वो लोड होगी, उससे पहले लोड नहीं होगी, उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड। जैसे आप ये मैं पहुंच गया इस पिक्चर पे, ये ऐड है वैसे, लेकिन इस पिक्चर पहुंच गया, जैसे ही पिक्चर पहुंचा तब लोड होना शुरू हुई। तो ये बेसिकली एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस है। अच्छा कितनों को समझ में आ गई ये बात जो मैं कह रहा हूँ, सर इससे मतलब स्पीड बढ़ती है इसकी स्पीड बढ़ती है, बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल की, जी। जब आप लोडिंग टाइम आप कम कर देते हैं तो वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो AMP बेसिकली कोई टूल है जो मतलब हम साइट पे जाके ये लगाते हैं वैसे या टेक्निकल एसईओ कुछ। का पार्ट है, ये साइट ये भी लगेगा आपकी वेबसाइट पे, अगर आपको लगाना है तो टेक्निकल एसईओ में पढ़ाऊंगा। ये कोई प्लगइन है? ये प्लगइन्स होते हैं, ये बेसिकली ये प्लगइन से, सर जी पिक्चर तो पहले ही से ड्राइव में पड़ी होती हैं। कौन सी पिक्चर ड्राइव में पड़ी होती है, देखें जब कस्टमर आपकी साइट खोलेगा तो उसको लोड नहीं होंगी वो पिक्चर, जब तक वो उस पिक्चर तक पहुंचेगा नहीं। ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस है, और किसी को कोई कंफ्यूजन एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस पे तो बता सकता है, मुझसे पूछ सकता है। उमर साहब आपका डाउट क्लियर हो गया या अभी भी रह गया, आई होप कि उनका डाउट क्लियर हो चुका। जी सर जी वो कह रहा था कि यानी कि मोबाइल में जो भी पिक्स अपलोड होती हैं वो मतलब ये है कि वेबसाइट पे पड़ी होती है ना, वेबसाइट की गैलरी में, जैसे कि हम उन पिक्चर्स को हम रख देते हैं अलग से ड्राइव में, तो ये होता है कि जितने पेज की स्पीड होती है अपलोड होने में इतनी स्पीड पिक्स की होती है वो दूसरी ड्राइव से लेके आ जाती है इतनी देर में। देखें, आपकी जो पिक्चर अपलोड होती है वो ड्राइव पे अपलोड नहीं होती, वो आपकी एक जो पिक्चर का सेक्शन है उसके अंदर अपलोड होती है सारी पिक्चर्स, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वो कहता है ये है कि सर मैं समझ गया, अच्छा ठीक है,
वो समझ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस कहता है कि जब कस्टमर पिक्चर ऐसी ऐसी वेबसाइट खोलेगा तो 10 की 10 पिक्चर लोड नहीं होंगी, बल्कि पहली पिक्चर लोड होगी जिस पे वो खड़ा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेगा तो दूसरी पिक्चर अपलोड होगी, तो तीसरी पिक्चर फिर लोड होगी, ठीक है। इस तरह जितना वो नीचे जाता रहेगा पिक्चर बाद में लोड होती रहेगी, ठीक है। आई होप कि मेरा मैंने जो बात समझाई है वो लोगों को समझ में आ गई हो। अब हम बात कर लेते हैं एएमपी का, लोगों को समझ में आ गया। एएमपी याद रखिएगा, ये आपकी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट पे यूज नहीं होता, सिर्फ ब्लॉग के सेक्शन में ये यूज करना चाहिए, ठीक है। ये प्लगइन्स होते हैं बेसिकली, वो मैं आगे बताऊंगा जब वेबसाइट हम पढ़ेंगे वेबसाइट के बारे में, तब मैं बताऊंगा ये कैसे लगाना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स, ये क्या चीज है, किसी को पता है ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? खाने वाले नहीं, साइट पे ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, मैं भी दिखा देता हूँ सबको, इन केस को आइडिया है ब्रेड क्रम्स का क्या होता है। सर जी, वो जब कोई चीज ओपन करते हैं तो वो जिस तरह तीर का निशान होता है या प्लस का निशान होता है। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, खानदार साहब का स्निपेट देखें, ये चीज होती है। अगर आप गौर से देखें इसको, ये जो चीज बनी हुई है, देखें होम, होम के ऊपर जो दो तीर लगे हुए हैं, एसईओ ब्लॉग, ये नेविगेट करने में आपको मदद देता है, ठीक है। और ये कैसे लगते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये होते हैं ब्रेड क्रम्स, ये समझ लीजिएगा। अगर वेबसाइट पे ये लगा हुआ है तो ये बेसिकली गूगल इसको अच्छा समझता है, गूगल समझता है कि वेबसाइट जो है ये आपके यूजर परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी है, तो इस वजह से गूगल उसको अच्छी तरह रैंक करता है, ठीक है। तो ये लगाना बेस्ट है आपकी वेबसाइट के लिए। अच्छा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन ब्रेड क्रम्स में, एरो को, जी, एरो, ये जो एरो बने हुए हैं इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ये नेविगेट करने में मदद देता है, वो जब गूगल देखता है कि ये किसी की साइट पे ये लगा हुआ है तो गूगल सर उस ये चीज जो को एरो चेक। अप एंड जी डाउन है, ये जो एरो ऊपर और नीचे है, इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, ये जो होम के बाद जो एरो लगे हुए हैं, एसईओ ब्लॉक के बाद जो एरो लगा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एफएक्यूज, तो एफएक्यूज हैं, इस पे कोई ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं लोगो। अच्छा, ये क्या चीज, अच्छा ये क्या चीज है, मैनुअल एक्शन, ये क्या चीज है, ये किसी को पता है, ये किसकी काम आता है मैनुअल एक्शन, ये वाला पार्ट किसकी, किसी को पता है ये किसकी काम आता है, ये वाला सेक्शन कोई भी स्टूडेंट वॉलंटरली कह सकता है। जी, तो मैन्युअल एक्शन जिस तरह के वो होते हैं, ये मतलब मेन्यू जो ऊपर बना होता है जिसके ऊपर हम जाके माउस से वो और जाके क्लिक करते हैं, तो उनके जो एक्शन होते हैं मतलब उनके जो काम होता है उससे रिलेटेड। अच्छा ठीक है। स्पैमी थिंग रिमूव, अच्छा खान साहब कहते हैं स्पैमी थिंग रिमूव, ठीक है। देखें मैनुअल एक्शंस कुछ भी नहीं है, मैनुअल एक्शंस जो है वो सिर्फ आपको बताता है कि वेबसाइट पे कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई, अगर आपने अपनी साइट के ऊपर स्टफिंग की हुई है, कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, सही है, और आप देखना चाहते हैं कि यार ये स्टफिंग पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, सही है, तो आप इधर आएंगे और यहाँ पे आप मैनुअल एक्शंस पे जाके क्लिक मारेंगे, ठीक है। मैनुअल एक्शन पे लिखा हुआ है नो इशू डिटेक्टेड, इसका मतलब कोई भी किस्म की दो नंबरी जो है वो नहीं पकड़ी गई गूगल की तरफ से, सही है। अगर कोई भी, याद रखें, दो नंबरी पकड़ी गई तो वार्निंग आपको मिलेगी, वार्निंग अगर आप ठीक नहीं हुए उसके बाद तो फिर आपको गूगल पिनलाइज कर देगा, और वो पिनलाइज आपको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। एज सच कोई गूगल नोटिफिकेशन मेरे ख्याल है नहीं देता, लेकिन ये जो सेक्शन है इसके थ्रू आपको पता लगता है कि यार आपकी साइट पे कोई पेनल्टी लगी है या नहीं, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमने कितने सारे सेक्शन पढ़ लिए अभी तक। अच्छा, फिर सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशूज यही है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो कितने कोई इशू तो नहीं है सिक्योरिटी का, ठीक है। ये सिक्योरिटी का इशू बता रहा है, ये भी आप डेवलपर के हम हवाले दे दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी इशू आप फाइंड करते हैं और आपको लगता है कि यार ये इनको पता होना चाहिए, तो आप ये चीज़ आप जो है इनको
सेंड कर सकते हैं, अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं लिंक्स पे। ये जो देखें टॉप लिंकिंग पेजेस, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, ठीक है, टॉप लिंकिंग साइट्स, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, ये क्या है? ये सब आपको बैक लिंक्स का बता रहा है। ठीक है, बैक लिंक्स और इंटरनल लिंकिंग जो हुई भी आपके पेज पे, ठीक है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छा, ये जो आइडिया है आपको बैक लिंक्स का, ये आपको ज्यादा अच्छा जो है, ये आपको सैमरश या एचरफ जो है, एचरफ जिसको कहते हैं, वो देता है। लेकिन यहाँ से भी आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के बैक लिंक्स कितने हैं और क्या उस पर इंटरनल लिंकिंग क्या है, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट के लिंक जब किया हुआ है तो उसका टेक्स्ट क्या है। ठीक है, ये टेक्स्ट है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज देख सकते हैं आप। अच्छा, चैट में किसी का सवाल आया है, सर ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? देखें, ब्रोकन लिंक्स वो होते हैं कि जो कभी लगे थे लेकिन फिर वो टूट गए। वो किस वजह से टूट गए? मान लो पेज उड़ गया, ठीक है, जिस पे आपने बैकलिंक लगाया था। बहुत से कमेंट बैकलिंक लगाते हैं जो कि अच्छी टेक्निक नहीं, लेकिन बता दूं, लोग कमेंट बैकलिंक लगाते हैं, कमेंट कर तो दिया उन्होंने, लेकिन कभी कभार जो होता है जैसे आर्टिकल के नीचे कमेंट किया होता है वही उड़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका नीचे लिंक लगा होगा वो भी तोड़ेगा, तो उसे कहते हैं ब्रोकन लिंक। ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी सर, जी, सर जी ये जो बैकलिंक्स के बारे में आप बता रहे थे कि AHRF या सैमरश, और इनमें से अच्छा कौन सा है, मतलब यह कि गूगल का अगर किया जाए या AHRF का किया जाए, मतलब। देखें, जो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा है, मेरी अपनी वो चॉइस है, अब हो सकता है कोई और कहे कि ऐसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे नज़र में सैमरश जो है वो बहुत ही अच्छा टूल है, और वो टूल आप यूज कर सकते हैं। AHRF आप तब यूज करें जब आप बिल्कुल ही फंस जाएं, तब आप यूज करें, लेकिन वैसे आप सैमरश ही यूज करें। मैं सैमरश से ही सिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह चीजें करनी है, और AHRF हम तब यूज करेंगे जब हम बिल्कुल फंस जाते हैं। उसकी बहुत सी वजह है कि वो जो AHRF है वो आपको अच्छा मतलब वो नहीं देता, मतलब एक लिमिट जो है उसकी बहुत ही थोड़ी सी होती है, तो इस वजह से शेयर्ड अकाउंट पे हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग जो है यहाँ पे आपको, अगर आपको किसी को राइट देने हैं, ठीक है, यहाँ मैं वेरिफाइड ओनर नहीं हूँ, लेकिन अगर राइट देने हैं तो यूजर एंड कुछ समथिंग लिखा होता है, उस पर आप क्लिक मारेंगे और ऐड यूजर पे आप क्लिक कर देंगे, तो उसकी वजह से बंदे को राइट मिल जाएगा, दूसरे बंदे को राइट मिल जाएगा आपकी वेबसाइट देखने का, आपका सर्च कंसोल देखने का। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमारा सेक्शन खत्म होता है। सबमिट फीडबैक, तो फीडबैक वो आपको मांग रहा है, अगर आप देना चाहो। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, बस यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। गूगल सर्च कंसोल में जितनी मैंने बात बताई है इससे ज्यादा एक चीज भी नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया है, साइट मैप भी बता दिया, रिमूवल बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अच्छा, सवाल आ रहे हैं सर ब्रेडक्रम्स का, दोबारा बता दें। ठीक है, ब्रेडक्रम्स ये होते हैं, ये और से देखिएगा इस पिक्चर को, अगर आप देखें इस पिक्चर को, हम पिक्चर खोल भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखें गौर से, ये ब्रेड क्रम्स होते क्या हैं, ये देखें, अगर आप गौर से देखें, ऊपर एक होम दिया हुआ है, ऊपर योस्ट एसईओ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ अदर प्लगइन्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड क्रम को कोई काम नहीं, थोड़ा सा नीचे है तो ये जो लाइन जो सिलेक्टेड हुई हुई है इसको देखें, इस पर लिखा हुआ है होम दिया हुआ है, एसईओ ब्लॉग दिया हुआ है, टेक्निकल एसईओ दिया हुआ है, व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन के जो बीच बीच में देखें आप, दो एरो बने हुए हैं, गौर से देखें दो एरो बने हुए हैं, इन दो एरो को कहते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? गूगल इसको बड़ा अच्छा समझता है, अगर किसी भी वेबसाइट पे ब्रेड क्रम्स होते हैं तो गूगल समझता है कि ये यूजर के हिसाब से बड़ी जबरदस्त साइट है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है ब्रेड क्रम्स बेसिकली। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, और किसी को कोई सवाल यहाँ तक? सर जी, साइट मैप में डेवलपर का रूल थोड़ा सा टच करते हैं। साइट मैप पे डेवलपर का रोल तो कुछ नहीं होता,
वो तो आपका ही काम है, आप ही साइट मैप बनाएंगे और आईपी आप ही साइट मैप सबमिट कराएंगे, उसमें डेवलपर को कोई काम नहीं होता। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है। अच्छा और किसी को कोई सवाल, मैं सवाल ले लूँ जब तक। उमर साहब मेरे ख्याल आपका सवाल हो गया, अगर नहीं हुआ है तो बता दें ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ। नहीं सर जी, वो तो सवाल हो गया, लेकिन नेक्स्ट बात सर जी ये है कि जी जो आप सर जी वीडियोस अपलोड करते हैं ना, जी तो उसका थंबनेल्स ये तो चेंज कर दें, मतलब ये है कि उस पर लिखा हुआ हो जो लेक्चर दिया ना, जैसे आपने सर्च कंसोल के बारे में, जी तो ये उसके बारे में यानी कि बता दें हमें वो उसका थंबनेल, या तो उसका टाइटल बता दें उसके बारे में, यानी कि जी कोई भी चीज़ मुझे, मैंने लेक्चर पढ़ना है ना, तो कोई भी चीज़ मुझे चाहिए ना, तो फिर मैंने यानी कि वो दूसरी वीडियो देख रहा था, लेकिन जो वीडियो थी वो नहीं देख रहा था, मतलब जी तो इससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा, जो दूसरे लोग आएंगे, मतलब हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है ना इसमें ये चीज़ होगी, तकरीबन थोड़ा सा देख लेते हैं पता चल जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो पढ़ेंगे, मैंने दोस्तों को कुछ बताया भाई ये देख लो, तो उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आई, तो वो मुझे ना लिखा हुआ नहीं है, टाइटल नहीं है या थंबनेल नहीं है, इस वजह से। अच्छा हाँ ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। दरअसल अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट जो लिखा हुआ है बस वही डाल दिया मैंने, एक ही कॉपी किया वहीं पे आर्टिकल। मैं इस चीज़ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे जो है क्या कहते हैं उसको, लाइव लेक्चर दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा साइट मैप तो योस्ट एसईओ पर बन जाता है सिंपल। जी, योस्ट एसईओ से बन जाता है सिंपल। अगर नहीं हो बनता, मान लें आपकी वेबसाइट पीएचपी बनी है, तो उसके लिए जो योस्ट, उसके लिए योस्ट आपको काम नहीं देगा, उसके लिए आपको साइट मैप जनरेटर यूज करने पड़ेंगे। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा इसके अलावा कोई और सवाल यहाँ तक?